सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह, तुर्की 6 महीने पहले से जानता था विद्रोही दल का पलट करेंगे, भारत बोला हालात पर हमारी नजर। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रेवल बैन लगाया, मार्शल लॉ लागू करने के कारण लगा प्रतिबंध, विपक्ष फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में। धनखड़ को हटाने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, 50 से अधिक सांसदों ने किए हस्ताक्षर, टीएमसी से लेकर सपा ने किया समर्थन। पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम लॉन्च की, बोले एमएसपी पर फसलें खरीद रहे, हरियाणा ने एक है तो सेफ है का मंत्र अपनाया। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, 11 दिसंबर को संभालेंगे पदभार, 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की लेंगे जगह, 3 साल का होगा कार्यकाल।